Hello everyone, today we are going to start chapter number 1st, exercise number 1.2. In which irrational number. A number not in the form of T upon Q is called irrational number. For example, root 2, root 3, root 5. But root 4 is equals to 2 is natural number. So root 2, root 3, root 5, root 7, root 11 are called irrational number. Next one, representation of irrational number on number line. Representation of irrational number on number line. First example, locate under root 2 on number line. Beta, under root 2 is a rational number. Locate under root 2 on number line. इससे पहले हमें Pythagoras theorem याद होनी चाहिए. Pythagoras theorem. क्या होता है Pythagoras theorem में? एक right angle triangle होता है बेटा. और राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपरन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर. ई एफ जी, आप सभी को पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. H is equal to क्या? Under root of b square plus p square. उम्मीद करता हूँ आप सभी को Pythagoras theorem clear होगी. अभी हमें root 2 को locate करना है किसके ऊपर? Number line के ऊपर. जब भी आपको इस तरह से irrational number को number line के ऊपर represent करना है, तो आपको ये Pythagoras theorem लगानी है. उसमें आपको हमेशा p को perpendicular को 1 call करना है. क्या call करना है? 1. H square is equal to क्या बेटा? b square plus p square. आपको मैंने अभी भी बताया h is equal to क्या? b square plus p square का under root. h को निकालना है हमें. h p की वैल्यू मैंने आपको बोला है 1 का square. 1 का square 1, और b को हम क्या लेंगे इसी के लिए कि 2 बन जाए, root 2 बन जाए. 1 का square 1, तो b को भी हम 1 लेने वाले हैं. तो root 1, 1 का square 1 plus 1 का square 1, that is under root of 2. अंडर रूट ऑफ 2. तो क्या करना है? एक नंबर लाइन बनाना है बेटा. आपको यहां पे लेना है 0, 1, इक्वल डिस्टेंस 2, माइनस 1, माइनस 2. ठीक है, 1 यूनिट. तो जो बेस है वो कितना लिया अपन ने? 1. कितना लिया है? 1. परपेंडिकुलर भी कितना लिया है? 1. यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. किसके ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर. ओ ए कॉल कर लो. ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल. और यहां पे उस पॉइंट को बी कॉल कर लीजिएगा आप. क्या कॉल कर लेंगे? बी. और उसके बाद ओ और बी को ज्वाइन करवा देना. करवा दिया ज्वाइन. फिर क्या करना है आपको? ओ यहां पे प्रोटेक्टर रख के आपको मेजर करना है ओ बी कितना है. जितना ही ओबी है ना, उतनी एक आग लगा देंगे आप.
दैट इज सी ये है वन, ये है वन, ये राइट एंगल, तो ये कितना आया रूट टू। ओबी किसके इक्वल है? रूट टू इज इक्वल टू क्या है बेटा? ओसी। तो ये ओ टू सी इज इक्वल टू कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ टू। एक बार दोबारा बता रहा हूं आप सभी को, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ई एफ जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट एफ, बी बेस राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट। हमें लोकेट किसे करना है? अंडर रूट टू को। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप हर बार परपेंडिकुलर को वन कॉल करेंगे बेटा। तो पी को हमने वन लिया, वन का स्क्वायर वन, हमें रूट टू बनाना है, तो बी को भी हमने वन ले लिया। एक नंबर लाइन बनाया ओ, वन यूनिट लिया थे ओ ए, इतना ए के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने 90 डिग्री का एंगल। ओ बी वन यूनिट, दैट इज ओ बी। ओ बी इज अंडर रूट ऑफ टू। मेजर ओ बी एंड मार्क एन आर्क ऑन दिस नंबर लाइन, दैट इज ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू रूट टू इज इक्वल टू क्या? ओ सी। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर टू, लोकेट अंडर रूट ऑफ फाइव ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, पी को आपने वन कॉल कर लेना बेटा। कितना? वन। बनाना क्या है हमें? अंडर रूट ऑफ फाइव। क्या बनाना है बेटा? अंडर रूट ऑफ फाइव। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना होता है बेटा? फोर। फोर प्लस वन अंडर रूट ऑफ फाइव। बी कितना आया बेटा अपना? टू। OA टू यूनिट, यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल, इसको C कॉल कर और B कॉल कर लीजिए वन यूनिट। फिर पाइथागोरस से कितना आ रहा है बेटा? अंडर रूट ऑफ फाइव। जितना ये है यहां पे प्रोडक्ट रखेंगे, इतना मेजर करेंगे, जितना भी ये है उससे एक आर्क लगा देंगे आप, दैट इज C। OC O to C, O to C is under root of 5. Is that clear? Next, OC is equal to under root of 5. Next question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, every irrational number is real number. Second one, every point on the number line is of the form under root of m, where m is a what?
natural number. Third one, every real number is an irrational number. Yes, first one, every irrational number is a real number. Yes, true. All number, real number, all number are called real number, natural, whole, integer, rational and irrational. So every irrational number is a real number. True. Next, every point on the number line is of the form under root of m. False. Suppose m is equals to 4. Under root of 4 is equals to 2. 2 is the natural number. So, sare number jo hai is form mein nahi ho sakte. Kis mein? Number line ke upar. Jaise under root of 4 kya answer kitna hai beta? 2. 2 to direct number line ke upar natural number apna plot kar sakte hai. Third one. Every real number is an irrational number. False. False. Reason kya hai? Isme every irrational number is real number. Irrational number mein, real number mein to rational bhi aate hain aur baaki number bhi aate hain. To is karke yahan pe irrational jo number hai wo real number nahi honge. Exercise 1.3. First example, find the expansion of this. Find the decimal expansion of this. Decimal expansion के लिए क्या करना है? आपने normal divide करना है. क्या करना है बेटा? Normal divide. First number है 10. Divided by 3. 3 threes are 9. 1, 0, 9. 3. 1, 0, 9. 1, 0. क्या हो रहा है यहाँ पे? Repeat हो रहा है. तो ये क्या है? Repeating. क्या है? Repeating. Repeating. 0. 10 upon 3 is equal to 3.33333 and so on. That is 3.3 bar. So, क्या बोलते हैं? Repeating. Second one, 7 upon 8, 0.88 is 64, 6, 0, 8, 5, 8, 7s are 56, 4, 0, 8, 5s are 40, 7 upon 8 is equals to 0.875. इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट मींस क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए, रिमाइंडर के आ जाए, जीरो आ जाए, उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग. क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग. इनको बोलते हैं रिपीटिंग. क्या बोलते हैं बेटा? रिपीटिंग. ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये चलता चला जा रहा है. और ये 3 के ऊपर बार लाने का मतलब क्या है कि 3 ही ऐसी वैल्यू है जो बार बार आए जा रही है, रिपीट हो जा रही है. लास्ट वन, 1/7. 0 लिया, 0.7 1 7 3 0 1 4 2 7 2s are 14 6 0 7 8s are 56 4 0 7 5s are 35 5 0 7 7s are 49 1 0. फिर रिपीट होने लग गया. 7 1s are 7 3 same 1 4 रिपीट हो रहा है. तो 1/7 is equals to क्या बेटा? 0.14285 7 बार.
ये सारी डिजिट रिपीट हो रही है, यहां तक तो सेम था, इसके बाद ये सब क्या होने लगी बेटा, रिपीट होने लगी, 1, 4, 2, 5, 8, 5, 7, ये सब रिपीट हो रही है। ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7, ये क्या है रिपीटिंग, क्या है बेटा रिपीटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू आ गई, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया, और ये क्या है, ये भी क्या है रिपीटिंग है, रीअकरिंग है, बार बार वही चीज आई जा रही है, जैसे इसमें बार बार क्या आ रहा था बेटा, थ्री आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है बार बार, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये इसके बाद फिर वापस ये रिपीट होने लग गया प्रोसेस, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, रिपीटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिपीटिंग। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर P and Q are integers and Q not equals to zero. वो ये कह रहा है अपने को इस क्वेश्चन में, क्या आप 0.333 बार को P by Q means rational number की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो भी अपने को गिवन है उसको x कॉल कर लीजिए, क्या कॉल कर लोगे x, that is 0.3 बार, call it equation number 1। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपने, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इक्वेशन 1 बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं एक बार दोबारा सुन लीजिए आप बच्चे, 3 के ऊपर 12 है, एक डिजिट है वो रिपीट हो रही है बार बार, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से, तो क्या बन गया बेटा 10x इज इक्वल टू क्या, 0.3 बार इनटू 10 करेंगे तो आएगा 3.3 बार, कितना आएगा बेटा 3.3 बार, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, फिक्स प्रोसेस है, इसके बाद फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिएगा, बहुत इजी सा काम है, सेकंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 10x माइनस 1x दैट इज 9x इज इक्वल टू क्या, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, जब हम माइनस करेंगे तो 3 से 3 जा रहा है, आंसर कितना आ गया 3.0, क्या है बेटा 3.0, तो ओवरऑल 9x इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या 3/9 is equal to क्या 1/3, what is x, x is 0.3 bar is equal to क्या 1/3, तो ये क्या है इस 0.3333 bar की क्या है p by q form है, means rational number form है, तो इस 0.3 bar को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, 1 भी यहाँ पे क्या है integer और 3 भी यहाँ पे क्या है integer है। next question बेटा, शो दैट 1.272727, क्या हो रहा है बेटा 272727 बार बार आ रहे हैं, मींस क्या आ रहा है 27 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर 27 के ऊपर क्या आ गया बेटा बार आ गया, इसमें यही कर रहे हैं शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन 27 इज इक्वल टू क्या 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू नो आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। आपको मैंने एक ही बात बताई है बेटा, जो भी दिया उसको x कॉल करना है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2 बार, मैंने आपको एक चीज बताई थी कॉल इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है
अगर वन डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर टू डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। तो इस क्वेश्चन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, देखो 2 और 7 बार बार आ रहा है, टू डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, 100 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100x इज इक्वल टू क्या, 127.27 बार मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये दोनों डिजिट आगे आ गई तो 127 बन गया, 0.27 बार, क्योंकि 27 तो बार बार आए जा रहा है। क्वालिफिकेशन नंबर टू। नेक्स्ट फिक्स स्टेप है, आपको मैंने बताया सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं हम, तो 100x माइनस 1x, क्योंकि x है ना, इसको 1x बोल दिया, इज इक्वल टू क्या, 127.27 बार माइनस 1.27 बार, इसको माइनस कर दो, थोड़ा ध्यान से देखिए, 127.27 बार माइनस 1.27 बार, ये पॉइंट के बाद तो डिजिट सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो 127 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा बेटा, 126। 126 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 99x। 126 अपॉन 99, 3 का टेबल आप सभी को आता है, 3 3 3 4 2, फिर 3 का टेबल भी जा रहा है, 11 एंड 1 4, 14 अपॉन 11 इज द 1.27 फॉर्म ऑफ, 1.27 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट इज 14 अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या, 1.27 बार। इज दैट क्लियर?